मैं चल रहा हूँ डॉक्टर कायनात ज्योति। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक वॉल का है। सो ये स्नेल एनाटॉमी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका लेक्चर नंबर 1 एंड 2 जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 की बात करते हैं। सो गाइज, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक वॉल को जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर थोरेसिक वॉल की हम लोग बात करें तो थोरेसिक वॉल जो है आउटसाइड स्किन से कवर होती है और मसल्स होते हैं शोल्डर के, और शोल्डर ग्रिडल के मीन्स के शोल्डर के मसल्स होते हैं जो कि उसके साथ अटैच्ड होते हैं, और ये पैराइटल प्लूरा से भी जो है वो कवर हुई हुई होती है। सो ये एक बेसिक उसका इंट्रोडक्शन है। आपको जो याद होना चाहिए वो होना चाहिए कि थोरेसिक वॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो बेसिकली थोरेसिक वॉल जो है वो फॉर्म होती है पोस्टीरियरली बाय द थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एंटीरियरली स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस से, और लेटरली रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेसिस से। ठीक है, सो इस पोस्टीरियरली किससे होती है? थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एंटीरियरली स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस से, और लेटरली जो है वो रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेसेस होते हैं जिससे ये अटैच होती है। इसके अलावा अगर सुपीरियरली बात करें तो सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से फॉर्म करती है, और इनफीरियरली डायफ्राम से जो के इसे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। सो अगर हम लोग स्ट्रक्चर, आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ द थोरेसिक वॉल किस तरीके से है। सो अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ थोरेसिक वॉल की बात करूँ तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ थोरेसिक वॉल में क्या है कि पोस्टीरियरली थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम से फॉर्म होगी। ठीक है, एंटीरियरली स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेजेस से इसकी फॉर्मेशन होगी। लेटरली ये फॉर्म होगी बाय द रिब्स एंड इंटरकॉस्टल स्पेसेस, सुपीरियरली सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन और इनफीरियरली डायफ्राम। सो ये इसके पोस्टीरियर वॉल्स के स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि थोरेसिक वॉल फॉर्म किस तरीके से होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्टीरियरली थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम होता है, एंटीरियरली स्टर्नम कॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं, लेटरली रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेसेस होते हैं, सुपीरियरली सुप्रालिनियर मेम्ब्रेन है, इनफीरियरली डायफ्राम है। सो ये सारा थोरेसिक वॉल का हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देन आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो स्टर्नम है। सो बेसिकली अगर हम लोग स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम क्या है हमारे पास? स्टर्नम जो है वो एक हमारे पास फ्लैट बोन होती है, ठीक है, जो कि मिड लाइन ऑफ द एंटीरियर चेस्ट वॉल्स में होती है। अच्छा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट का मेनिब्रम है, मेनिब्रम स्टर्ना जिसे कहते हैं। सेकंड इसका स्टर्नम है, बॉडी ऑफ स्टर्नम है, एंड थर्ड इसका सिफाइड प्रोसेस है। तो ये 3 इसके पार्ट्स हैं जिनसे हमारे पास स्टर्नम मिलके बनती है। मींस कि अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास स्टर्नम का स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारे पास पूरा क्या है, स्टर्नम का स्ट्रक्चर है जो स्नेल में आपको बताया गया। ये हमारे पास मेनिब्रम स्टर्ना है, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है, एंड जिफाइड प्रोसेस है। सो ये पूरा हमारे पास स्टर्नम का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, जिफाइड प्रोसेस है, यहाँ पे जिफाइड प्रोसेस है, ये मेनिब्रम है और ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है। सो यहाँ पास 3 पार्ट है स्टर्नम के। देन आगे चलते हैं। द मेनिब्रम इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, इट आर्टिकुलेट्स विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम एट द मेनिब्रो स्टर्नल जॉइंट, एंड इट आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल्स विद द फर्स्ट कॉस्ट विद द क्लेविकल एंड विद द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज एंड अपर पार्ट ऑफ द सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज ऑन ईच साइड, इट अपोजिट द थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। सो मेनिब्रम के बारे में क्या बताया गया है? देखो, मेनिब्रम के बारे में यहाँ पे स्नेल में ये डिस्कस किया है कि ये हमारे पास मेनिब्रम है। ठीक है, मेनिब्रम क्लेविकल को भी अटैचमेंट देता है, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज को भी देता है हमारे पास अटैचमेंट। ठीक है, और अपर पार्ट ऑफ द सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेसेट ऑफ द क्लेविकल है। सो ये हमारे पास क्या है, इसकी बेसिकली अटैचमेंट दी गई कि, और ये ऑपोजिट टू किसके पाया जाता है, फोर्थ एंड थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा के ऑपोजिट होता है। तो ये पूरा हमारे पास क्या है, मेनिब्रम की यहाँ पे बात की गई है। देन हम चलते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम में। बॉडी ऑफ स्टर्नम की यहाँ पे हमारे पास क्या बात की गई है, द बॉडी ऑफ स्टर्नम आर्टिकुलेट अबव विद द मेनिब्रम एट द मेनिब्रो स्टर्नल जॉइंट एंड बिलो द ज़िफाइड प्रोसेस एट द ज़िफी स्टर्नल जॉइंट, ऑन ईच साइड इट आर्टिकुलेट विद द सेकंड टू सेवन कॉस्टल कार्टिलेज, और ईच साइड पे सेकंड टू सेवन कॉस्टल कार्टिलेज। देखो, बॉडी ऑफ स्टर्नम में 3 चीज़ें बात कर रहा है। पहली बात है कि स्टर्नम जो है, बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है अबव किससे अटैच होती है, मेनिब्रो स्टर्नल जॉइंट से, बिलो ज़िफी स्टर्नल जॉइंट से, ज़िफाइड प्रोसेस से ज्वाइन होती है ज़िफी स्टर्नल जॉइंट के थ्रू, और सेकंड एंड सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेजेस जो है वो इस पर अटैच्ड होती हैं। सो अब इसके बारे में यहाँ पे देखिए, आपको मैं बता रही हूँ कि क्या कहना चाह रहा है बॉडी ऑफ स्टर्नम के बारे में। देखो, ये हमारे पास मेनिब्रम था, मेनिब्रम और बॉडी ऑफ स्टर्नम एक दूसरे से अटैच किसके थ्रू हो रहे थे, यहाँ पे मेनिब्रो स्टर्नल जॉइंट जिसे हम लोग स्टर्नल एंगल भी कहते हैं। सो ये यहाँ पे मेनिब्रो स्टर्नल जॉइंट होगा जो कि बॉडी ऑफ स्टर्नम और मेनिब्रम को अटैच करेगा। देन बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है बिलो किसे, ज़िफाइड प्रोसेस से जो ज्वाइन होगी थ्रू
ज़िफी स्टर्नल जॉइंट। सो यहाँ पे ज़िफी स्टर्नल जॉइंट है जो कि बॉडी ऑफ स्टर्नम को ज़िफाइड प्रोसेस से ज्वाइन कर रहा है, एंड देन ये बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है वो सेकंड से लेके सेवन्थ कॉस्टोकार्टिलेज को अटैचमेंट दे रही है। लाइक यहाँ पे सेकंड कॉस्टोकार्टिलेज है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है, देन फिफ्थ है, सिक्स्थ है एंड सेवन्थ। सो सेकंड से लेके सेवन्थ कॉस्टोकार्टिलेज की अटैचमेंट भी हमारे पास कहाँ पे आ रही है, बॉडी ऑफ स्टर्नम पे, ठीक है। देन हमारे पास है ज़िफाइड प्रोसेस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ज़िफाइड प्रोसेस की बात हो रही है। ज़िफाइड प्रोसेस की क्या बात हो रही है, ज़िफाइड प्रोसेस इज अ थिन प्लेट ऑफ द कार्टिलेज दैट बिकम ऑसिफाइड एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ, नो रिब्स और कॉस्टोकार अटैच्ड। देखो ज़िफाइड प्रोसेस क्या है, ये सिंपल एक कार्टिलेज है, ठीक है, जिसकी ऑसिफिकेशन होती है प्रॉक्सिमल एंड में, ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ में ही इसकी ऑसिफिकेशन हो जाती है। इस पर ना कोई कॉस्टोकार्टिलेज अटैच्ड होती है ना कोई रिब। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है वो हमारे पास स्टर्नल एंगल है। आपसे वाइवा में भी स्टर्नल एंगल का पूछा जाता है, आपसे जब सरफेस एनाटॉमी करवा रहे होते हैं तब भी पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टर्नल एंगल है क्या। बेसिकली स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुईस जो है वो फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ द मेनिब्रम विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम। ये आपको याद होना चाहिए कि एंगल ऑफ स्टर्नम फॉर्म कहाँ से होता है, किसकी किस तरह होता है, बाय द फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ द मेनिब्रम विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द ट्रांसफर रिज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्नम। द ट्रांसफर रिज लाइज एट द लेवल ऑफ द सेकंड कॉस्टोकार्टिलेज, द पॉइंट फ्रॉम ऑल द कॉस्टोकार्टिलेज एंड रिब्स आर काउंटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टर्नल एंगल की इंपॉर्टेंस क्या है, आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है कि स्टर्नल एंगल की इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से हम लोग काउंटिंग ऑफ रिब्स एंड कॉस्टोकार्टिलेजेस की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये होता कहाँ पे, ये होता है जहाँ पे हमारे पास मैनिब्रम स्टर्नल एंगल है ना, वही हमारे पास स्टर्नल एंगल कहलाएगा उसी। और लुईस एंगल ऑफ लुईस भी आपसे पूछें तो भी आप बताएंगे कि ये स्टर्नल एंगल को एंगल ऑफ लुईस कहते हैं। और इसके ऑपोजिटली हमारे पास क्या होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्राए होते हैं, ठीक है। तो स्टर्नल एंगल का ये पैराग्राफ आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। आपसे कोई भी पूछे आपको बताना है, क्योंकि यहीं से आपकी सरफेस एनाटॉमी स्टार्ट होती है रिब्स को काउंट करने की। इसके अलावा ज़िफी स्टर्नल जॉइंट की बात करें तो ये ऑपोजिट टू दी नाइन्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास स्टर्नल एंगल है, ठीक है, आपको सरफेस एनाटॉमी में भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से कॉस्टल कार्टिलेजेस और रिब्स की जो अटैचमेंट है वो यहीं से स्टार्ट होती है। देन हमारे पास ये हमारे पास ज़िफी स्टर्नल जॉइंट है, जो कि ज़िफी स्टर्नल जॉइंट का क्या, ज़िफी स्टर्नल जॉइंट अपोजिट टू नाइन्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होगा, ऑपोजिट इसके नाइन्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है। एंगल ऑफ स्टर्नल के ऑपोजिट हमारे पास क्या है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो कि थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के वो है हमारे पास। और इसके अगर इसमें हम लोग थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करें तो यहाँ पे कौन सी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के ऑपोजिट है। सो ये सारी चीज़ें